इस त्रिदिवसीय कार्यशाला में जिसके दो सूत्रधार आपको एक संस्कृत का श्लोक याद आता है, स्वयं महेशः श्वश्रू नगेशः सखा धनेशः तनयो गणेशः तथापि भिक्षाटनमेव संभव। स्वयं ही महादेव है, उनके मित्र कुबेर, उनके पुत्र गणेश, उनके ससुर हिमालय, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां जिनके साथ हो, तो रमाकर पंत और महेंद्र कुमार मिश्र दोनों अकेले में पर्याप्त हैं, पर दोनों मिल गए और दोनों के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और उड़ीसा सरकार, इन चार शक्तियों के साथ आयोजित इस महत्वपूर्ण विषय पर, जैसा मैंने कल कहा, तो ऐसे समय पर इस मैं आप सबका और आप सबके साथ बोलने का अवसर मुझे महेंद्र जी और रमाकर जी ने दिया है और आप सब सुनने के लिए बैठे हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इस काम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मित्रों, छोटी सी संख्या है, महेंद्र जी की तरह प्रसन्न तो मैं भी बहुत होता, जैसा लोहिया जी की बात से उन्होंने पिछले सत्र में कहा कि ये अशोक को नहीं पहचानेंगे और अकबर को नहीं पहचानेंगे और राम और महाभारत को पहचानेंगे। मुझे मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि हम जिस समय में जी रहे हैं, यह समय आत्मघाती समय है। हमारी संतानें, हमारी नई पीढ़ियां, मुक्तिबोध केवल थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा इसलिए मैं केवल नाम रेफर करता हूँ। मुक्तिबोध की एक कहानी है, पक्षी और दीमन, ये जरूर आप लोग पढ़ लें, जिसमें आज के नौजवान अपने पूर्वजों, अपने अग्रजों की बात माने बगैर उनको लगता है कि मेरे अग्रज ने कोई बात कही है, जरूर गलत बात कही होगी, और अपने एक एक पंख उखाड़ कर नौजवान पक्षी एक दीमक वाले को देकर अपने स्वयं लंगड़े हो गए और एक बिल्ली के पेट में जा बसे। हमारी पीढ़ी वैसे ही जा रही है। आते हैं इधर कि बंधुवर, मेरी धारणा ये बन रही है, कल चर्चा भी की थी महेंद्र जी ने, कि सन 1947 के बाद हम भारतीय लोग कुछ ज्यादा ही संकुचित हो गए और फिरंगियों के आगमन के बाद हमारे आचरण दूसरों और पड़ोसियों, निकटवर्ती पड़ोसियों पर शंका करने के लिए बढ़ गई। ये उनसे पहले चूंकि अनुवाद मैं इस बीच में बहुत रमा रहता हूं, तो अनुवाद की धारणा को लेकर कह रहा हूं कि फिरंगियों के आगमन से पहले हमारे देश में अनुवाद कार्य और आत्मसातीकरण एक ऐसा उद्यम होता था कि दुनिया की किसी भाषा में ज्ञान उपजा है वो मेरी भाषा में आना चाहिए। पर फिरंगियों ने क्या किया कि उसने एक, मैंने एमए का कोर्स चलाया, यूनियन में भी, अभी जेएनयू में भी शुरू करने जा रहा हूं, उसमें एक टर्मिनोलॉजी मैंने रखी है, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। इंद्रनील संभवतः इस बात को, और सर आप भी शायद इस बात को, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन जो एक टर्म है कि हम ये जो मैकाले ने जब अपने संसद में जाकर कहा कि भाई भारतीय को ऐसे मत समझो, मैंने भारत के कोने कोने घूमकर देखा है, वहां का आदमी आधी रोटी आधा पेट खाकर जी लेगा लेकिन तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं, एक ही शर्त है कि उसकी उसके स्वाभिमान पर चोट करो, तभी वो झुक सकता है। और उस स्वाभिमान पर चोट करने के लिए अंग्रेजों ने हमारे यहां, हमारे ही घर से कुछ गलीज लोगों को निकाला और अंग्रेज संपोषित अनुवाद हमारे सिर पर, हमारे ही पितामह का अपनी भाषा में अनुवाद करके हमें बताने लगा कि तुम्हारा इतिहास ये है। तब से हमारा अनुवाद दूषित हुआ, शंकित हुआ
और अनुवाद कर्म में सेंसिबिलिटी इतनी बढ़ गई, संवेदनात्मकता इतनी बढ़ गई कि हम खुर्दबीन से देखने लगे। उससे पहले अनुवाद हमारे यहाँ ज्ञान और विचार के प्रसार का एक कारण होता था, और यही कारण है कि हमारे यहाँ रामायण और महाभारत के इतने इतने संस्करण हुए, कभी किसी ने कोई चर्चा नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि वहां से यहाँ नकल हुआ है। आप सूरदास को आप पढ़ लें तो पद्य के पद्य आपको लगेगा कि हूबहू उन्होंने विद्यापति से उतार लिया। आप रहीम को देख लें तो आपको पूरा लगेगा कि भर्तृहरि को उन्होंने अनुवाद कर दिया। ऐसा कई कई उदाहरण है, उस दिशा में मैं जाने से बेहतर समझता हूं कि इस ये मैं इधर केंद्रित हूं। तो ये उदारता की बात मैंने इसलिए की कि हम इतने उदार थे कि आप सोचिए विद्यापति इतने बड़े कवि मैथिली के हैं। आप में से बहुत को मालूम भी होगा कि विद्यापति के पदों की रचना शुरुआती दौर में मैथिलों ने नहीं की है, उनकी रचना का कलेक्शन बंगालियों ने की है, बंगालियों ने की है। शारदा चरण मित्र और उनके साथ दो तीन लोगों ने की है, नगेन्द्रनाथ गुप्त, और उन्होंने कहीं से वो सामग्री नहीं जुटाई, पेपर नहीं इकट्ठा किया, घूमकर मैथिल महिलाओं के मुंह से सुनकर। अब संकट देखिए कि मैथिल महिलाएं गा रही हैं, एक ज्यादातर निरक्षर महिलाएं वो गा रही हैं, उनके गाने का राग भास भी एक अपना अलग है, और एक बंगाली व्यक्ति सुन रहा है जो मैथिल रसगुल्ला कह रहा है। अब एक बंगाली उसको रसोगुल्ला सुनेगा, मैथिल महिला अशोक कह रही है, अशोक नहीं अशोक सरक सरक वाला सर, मैथिल महिला अशोक कह रही है और एक बंगाली विद्वान उसको अशोक लिखेंगे। ये जो और संभवतः वो बंगला लिपि में लिखते होंगे, मैथिली की लिपि जो है अपनी पुरानी वो कई अक्षर बंगला से मिलते जुलते हैं। ये इन सब संकटों के कारण ही, और बाद में जो पांडुलिपि मिली उसमें जो पांच भेद की चर्चा दो दिनों से चल रही है, ये सब इसी संकट में। बहरहाल हम मेरा ज्यादा समय उधर लग गया, पर लग रहा है कि थोड़ी काम की ही बात मैंने की है। मेरे पेपर का विषय है जो कि मैंने शुरू में महेंद्र जी से कहा था, मैथिली साहित्य में महाभारत कथा अर्थात कृष्ण कथा का आत्मसातीकरण, अप्रोप्रिएशन ऑफ कृष्ण कथा इन मैथिली लिटरेचर। भाई रमन जी के साथ सुविधा यह है कि ये मैथिली के बड़े आलोचक तो हैं ही, बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर भी, इनके पास बड़ी सारी सूचनाएं जानकारियां किताबें रहती हैं, पटना में रहते हैं, गांव जाते आते रहते हैं। मैं तो ऐसी अनुभवर जगह में रहता हूँ जहाँ ज्ञान से लोगों को कम ही मतलब होता है, तो साधना में लगे रहते, तंत्र साधने में लगे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ किताबें मिल जाती है। तो उनमें से जो कुछ किताबें मेरे पास, जितने गहराई तक रमन जी गए शायद मैं ना जा पाऊं, लेकिन कुछ बातें हैं इसमें। अब जो लिख कर लाने की अपनी विडंबना है कि वही पढ़ना होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं समय क्रॉस करने लगू तो सारी बात को वही वही लोग बोलेगा। मेरी स्पष्ट मान्यता है, वैसे लगभग 40 मिनट लगेगा यदि सारा पढ़ूं।